हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पवार ब्रदर्स। तो कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो भाई आज आपके सामने है नई एर्टिगा। भाई सीएनजी में या पेट्रोल में? सीएनजी पेट्रोल दोनों में। तो अंदर ही आ जाओ, बाहर तो आ रही है धूप, अंदर ही बैठ के बात करेंगे। आ जा भाई। भाई गाड़ी तगड़ी लग रही है, चाबी कहाँ है? तो भाई राठी, 12 लाख रुपये में एर्टिगा ही क्यों? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल भाई मेरे को चाहिए थी थोड़ी फैमिली कार के लिए, कहीं जाने वाने के लिए। हाँ। कि जिसमें आराम से हम 6-7 बंदे बैठ जाएं। हाँ। और इस गाड़ी का इस रेंज में इससे तगड़ा कंफर्ट नहीं दे सकती कोई गाड़ी भाई। अच्छा हाँ यार, फिर भी एर्टिगा तो एर्टिगा ही लगे। किया सेल्टोस क्रेटा ले लेते 12 लाख में। यार उनमें 7 आदमी नहीं बैठ पाते, इसमें आप बैठा लो कम्फर्टेबली है। हाँ भाई, प्लस सीएनजी फिटेड, कंपनी फिटेड सीएनजी, कंपनी फिटेड। ब्रदर कितने की एवरेज दे देती है गाड़ी? भाई आराम से 22 22 23 की है, मतलब 22 कितने देगी? हाँ भाई। कब ली थी गाड़ी? भाई अभी हुई है मेरे ख्याल से, ज्यादा ज्यादा 1-1.5 हफ्ता हुआ। अच्छा जी। हाँ भाई। नई बनी पड़ी है गाड़ी तेरी? भाई बिल्कुल नहीं। तो सीएनजी की गाड़ी लिए थे ना? हाँ। यार इंटीरियर तो तेरी कसम 1 नंबर लग रहा हूँ गाड़ी को, मजाक काट के है ना। बता भाई। पर भाई एक बात बता, जैसे ये गाड़ी टैक्सी में भी चल रही है। हाँ भाई। तो क्या कहना मतलब रोड प्रेजेंस के बारे में कि यार सेम गाड़ी टैक्सी में भी चल रही है, सेम गाड़ी आप चला रहे हो? यार ये तो वही बात होगी, टैक्सी में बाहर जाओगे फॉर्च्यूनर भी चल रही है। भाई सबकी सोच के ऊपर है भाई। देखो सीधी सट बात, भाई मेरे को इस रेंज में इस टाइप की गाड़ी चाहिए थी तो मैंने ये ली भाई। हाँ। मेरे पास किया कार नहीं, इसका भी ऑप्शन था पर मेरे को वो पता नहीं पसंद ही क्यों नहीं आई। अच्छा। हाँ आपको मतलब कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए थी, 7 सीटर? 7 सीटर कंफर्टेबल गाड़ी फैमिली के हिसाब से चाहिए। स्कॉर्पियो वगैरह वो तो बोल बेकार पड़ती, इतनी लंबी बेकार पड़ती, महंगी 20 लाख की, फिर उसमें बंदे कंफर्टेबल भी नहीं है, फिर ऊपर से वो थोड़ी मस्टर्ड वाला अपने टाइप वाला की गाड़ी है, ये थोड़ा घर में ये है थोड़ा सा लगती है शरीफ टाइप में। अच्छा। हाँ भाई 12 लाख रुपए में पड़ गई आप गाड़ी? हाँ भाई 12 लाख। एसी वेसी का क्या कहना है? आप बैठे हो देख लो, स्टार्ट करिए उसके हिसाब से बहुत है भाई। और आप एक बार चला के देखना भाई, स्मूथ इतनी है गाड़ी, आपको पता नहीं चलेगा सीएनजी में है गाड़ी, आप ये कहोगे भाई ये डीजल है पेट्रोल में गाड़ी है बिल्कुल। अच्छा जी। हाँ जी। तो कंफर्ट में चलाने में मजा आ रहे हैं? अरे भैया आपको मजा फिर ब्रेजा ले लेते, फिर वही बात है यार, 7 आदमी। ओहो आपकी तो वही बात होगी, लंबी लेनी है। हाँ, लंबी गाड़ी चाहिए, लंबी गाड़ी 7 आदमी है। हाँ भाई। दोस्त पीछे बैठ के कंफर्ट हो जावे, मजा आ रहे हैं, कोई दिक्कत तो ना है? नो। ठीक है चलो भाई। और कलर वगैरह तो ठीक है, चलो सब अच्छा ही है। आप सब क्या किया, आपने अच्छी गाड़ी ली है, हम भी भाई पहली बार ही बैठे आज एर्टिगा। सच बताऊं तो इंटीरियर बहुत अच्छा लग रहा है गाड़ी का, दिल से तारीफ करूंगा। का ही सजेस्ट करेगा 12 लाख रुपए में? भाई अगर लंबी गाड़ी चाहिए 7-8 आदमी के लिए तो भाई बिल्कुल जाओ इसी गाड़ी पे। नीचे कैसी है भाई? ब्रेजर तो नीचे ऊंची है ना भाई? सेम है, सेम है। ये लंबी है ना इसलिए थोड़ी सी नीचे लगती है उसके हिसाब से। हाँ। ग्राउंड क्लीयरेंस सेम है इनका? सेम है। हाँ भाई। कोई और ऑप्शन देखे जब लेने गए या फिर सीधी? भाई मन में स्टार्टिंग से, क्योंकि इस रेंज में यही गाड़ी आती है जो मेरे पर्पस को मतलब सॉल्व कर रही थी ना। अच्छा, प्लस सीएनजी हो रहा है। हाँ, सबसे बड़ी 12 लाख में कंपनी फिटेड सीएनजी, मतलब फ्री में चलो कुल मिलाकर। हाँ, यही समझ लो। मेरे पास भी ब्रेजा उसमें सीएनजी है, फ्री का हिसाब किताब है, एसेंट भी उसमें भी है। ना सही है। तो भाई आज की जो अपनी वीडियो थी उसको यहीं पे एंड करते हैं। हमने जो अर्टिगा बारे में थोड़ा बहुत जाना भी तो भाई ने कम ही चलाई है 2200 किलोमीटर। जब और चला लेंगे भाई से तब एक्सपीरियंस शेयर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाए।